नमस्कार बच्चों, कक्षा आइए अब हम कुछ जोड़ के व्यावहारिक प्रश्न करते हैं। इनमें क्या होता है, रामू के पास 6 कंचे तथा उसके भाई के पास 3 कंचे हैं। रामू के पास कितने कंचे हैं बच्चों? 6 कंचे ऐसे लिखेंगे। उसके भाई के पास 3 कंचे, 3 ऐसे लिखेंगे। बताओ दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? कुल कंचे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका जोड़ कर देंगे। जोड़ना आप सीख ही चुके हैं। 6 कंचे के लिए 1 2 3 4 5 6 कंचे और 3 1 2 3 कंचे, 6 कंचे उसके पास थे। दोनों मिला दिए, 6 से आगे 7 8 9, तो कुल कितने हो कंचे हो गए, 9 कंचे। तो उत्तर क्या आ गया, उत्तर लिखना साफ साफ अपने, 9 कंचे। अगला प्रश्न देखते हैं। इमरान के पास 3 चॉकलेट थी। इमरान के पास कितनी चॉकलेट थी? 3, यहाँ लिख लेंगे 3 चॉकलेट। उसके मामा जी ने उसे 2 चॉकलेट और दे दी। उसके मामा जी आए, उसको 2 चॉकलेट और दे दी। बताओ अब उसके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 3 तो पहले थी, उसमें 2 और मिला दी। 3 में 3 से आगे 2 मिला दी ना, 1 2, 3 से आगे 4 5, तो ये 5 उसके पास चॉकलेट हो गई। क्या उत्तर आ गया, इमरान के पास कितनी चॉकलेट हो गई बच्चों? 5 चॉकलेट। इसी प्रकार के आप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपने जोड़ के करने हैं, कुल निकालना है। यहाँ पर कुल कितनी चॉकलेट हो गई, तो इसमें क्या करते हैं, हम जोड़ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हम देखते हैं, रमा के पास 5 पेंसिल थी। रमा के पास कितनी पेंसिल थी? 5। उसके भाई के पास 3 पेंसिल थी, तो दोनों को मिलाकर कुल कितनी पेंसिल थी? कुल पेंसिल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ करेंगे। रमा के पास पेंसिल 5, उसके भाई के पास पेंसिल 3, दोनों को मिला देंगे। 5 में 3 मिलाना, 5 तो थी, 5 में 3 और मिला दी। 5 से आगे काउंट करेंगे, 6 7 8, तो कितनी पेंसिल हो गई बच्चों? 8 पेंसिल। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल हो गई? 8 पेंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने 5 रुपये का पेन और 2 रुपये की इरेजर खरीदी। एक इरेजर होते हैं ना, जिसे हम साफ करते हैं पेंसिल का लिखा हुआ। 2 रुपए की रबड़ खरीद ली, बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए? तो खर्च किए ना पैसे उसने, कितने पैसे खर्च किए अभी निकालते हैं। पेन कितने खरीदा? 5 रुपए का, तो पेन पर कितने खर्च किए उसने? 5 रुपए, यहाँ लिख देंगे 5 रुपए। और रबड़ पर कितने खर्च किए? 2 रुपए। तो बताना दोनों पे कुल कितने खर्च किए, दोनों को मिला देंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 से आगे 2, 5 तो पेन पर खर्च किए, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 रुपए, और ये 1 2 रुपए, तो दोनों को जोड़ दो, मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7, दो दो उसने कितने रुपए खर्च किए? 7 रुपए उसने दोनों के ऊपर खर्च किए। इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, मान लीजिए उसके पास 10 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? 10 रुपए थे, तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये हिसाब लगाना है आपने। 7 रुपए खर्च कर दिए और थे कितने? 10 रुपए, तो 7 में कितने और मिलाएं कि 10 बन जाए, यही सब हिसाब लगाना है ना आपने। क्योंकि उसके पास तो 10 रुपए थे, उसने दुकानदार को 10 रुपए दे दिए, तो 7 रुपए की तो उसने सामान खरीद ली, तो दुकानदार को कितने रुपए वापस देगा? 7 से आगे 8 9 10, 10 पूरे करने ना हमें, 7 में मिला देंगे 3, तो हमारे 10 पूरे हो गए। इस प्रकार से दुकानदार उसको 3 रुपए वापिस करेगा। यहाँ पर यह बात आपने समझनी है। कहानी की 5 किताबें हैं। कितनी किताबें बच्चों सुबाना के पास? 1 2 3 4 5, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके भाई के पास कविताओं की 3 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 3, यहां लिखेंगे। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं? दोनों को जोड़ दोगे, 5 से आगे 3, 5 से आगे 6 7 8, दोनों के पास 8 किताब, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 8। एक पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी थी। कितनी चिड़िया बैठी थी बच्चों? 4। 3 चिड़िया उड़कर और आ गई, 3 और आ गई वहां पर। अब बताओ कितनी, 4 तो पहले से ही थी, 3 और आई, 4 से आगे 3, 4 से आगे 5 6 7, तो कितनी चिड़िया हो गई? 7। इसको आप लाइन लगा के भी, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 लाइन, इन दोनों को कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन। पार्क में 4 बच्चे खेल रहे थे।
कितने बच्चे खेल रहे बच्चों? चार। पांच बच्चे और आ गए, मिला दो कोई बात, झटपट कर दो जोड़ इसको। चार से आगे पांच, पांच ये है ना, चार से आगे गिनो, चार से आगे पांच छ सात आठ नौ, तो कितने हो गए हमारे, यहाँ लिख दो नौ, यहाँ लिख दो सात। इस प्रकार से आप कंकड़, पत्थर और अन्य खेल खेल में भी गणित के जोड़ के सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ गणित पढ़ते रहिएगा और आसान विधि से गणित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।